हाँ तो देखिए जरा, एक्चुअली बात है कि एडमंड स्पेंसर ने अपनी जो 30 पोइम थी या 30 सोनेट थी, उसको वो कलेक्शन था एमोरेटी, जिसके अंदर उन्होंने इसे लिखा था। और ये जो 30 पोएम है जिसका अपन नाम दिया है एडमंड स्पेंसर ने, वो था लव को लेकर। और ये जो लव है वो उनकी वाइफ को लेकर है, और ये वाइफ एक तरीके से ये मान लीजिए कि फारफेस्ट इमेज की एक कल्पना कह लीजिए। मतलब अपना पोएट है ना, वो एक कल्पना करके चलता है। और इसमें एक्चुअली उसके लिए कहा जाता है कि सोनेट 30 इज वन ऑफ द 89 सोनेट्स रोट बाई एडमंड स्पेंसर इन हिज कलेक्शन टाइटल्ड नेम एमोरेटी, वॉज पब्लिश्ड इन 1595, विच मीन्स लिटिल लव पोएम। यानी एमोरेटी का जो मीन होता है वो होता है लिटिल लव पोएम, यानी कि छोटी छोटी प्यार की पारिभाषिक एक तरीके से कह सकते हैं कविताएं। और एमोरेटी के अंदर एडमंड स्पेंसर ने एक कोर्टशिप की बात की है। कोर्टशिप एक तरीके से कह सकते हैं अफेयर टाइप, कोर्टशिप ऑफ अ वुमेन जिसका नाम है एलिजाबेथ। और मैंने कल आपको पूरा नाम भी बताया था, एलिजाबेथ वॉयली, राइट। हाँ इसके बाद है वुमेन नेम्ड एलिजाबेथ, पर्हैप्स एलिजाबेथ बोयली हुमी वांट टू मैरिड, जिसे वो शादी करना चाहता है। हाँ दिस सोनेट कवर्स अ लिटिल मोर देन अ ईयर इन टाइम। एक्चुअली ये जो इन्होंने लिखा है वो लगभग एक साल का टाइम है या उससे भी कुछ ज्यादा है, लेकिन लगभग हम इससे मानते हैं कि हमारा जो पोएट है उसने लगभग एक साल के लिए जो भी देखा महसूस किया वो सब इस पोएम के अंदर उसने पेन अप किया, पेन डाउन किया है ना। अब जैसे हमारी जो पोएम है उसके अंदर जो अर्ली लाइन है उसमें उसने जिस महिला के बारे में जिक्र किया, इसका मतलब है कि एडमंड स्पेंसर जिस वीमन की बात करते हैं वो वीमन एक्चुअली कौन है, एलिजाबेथ बॉयली। और एलिजाबेथ बॉयली को उन्होंने माना है लव, उन्होंने सिंबल मतलब अर्ली लाइन के अंदर बोला है माई लव इज लाइक टू आइस। आइस फर्स्ट लाइन देखी हाँ तो फर्स्ट लाइन में क्या है, ये माई लव इज लाइक टू आइस, यानी कि मेरी आइस जो हाँ वो अपनी अपकमिंग वाइफ को या फिर ड्रीमी वाइफ को बोलता है कि माई लव इज लाइक टू आइस, यानी कि मेरी जो लव है या बिलवर कह सकते हो लाइक टू आइस, वो आइस की तरह है। अब आइस की तरह ऐसे नहीं है कि वो दिखती आइस की तरह, एक्चुअली आइस की तरह है इसका मीन होगा कि वो इन नेचर बाई नेचर वो आइस की तरह है, मतलब जिस पर इमोशनल टच का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक। अच्छा एंड आई टू फायर, और मैं कौन हूँ, फायर हूँ, है ना। आगू हाँ आग हूँ, आग का मतलब ये है कि इनके अंदर जैसे आग की लपटें उठती हैं ठीक उसी तरीके से इनके अंदर लव और अफेक्शन, है ना, अफेक्शन समझते हो, एक तरीके से आकर्षण, लव और अफेक्शन की बाइटिंग्स चलती हैं। मतलब इनको लगता है कि इनके अंदर काफी ज्यादा लव है, बाइट्स हैं या अफेक्शन है अपनी वाइफ के प्रति या अपकमिंग वाइफ के प्रति। तो वो कहते हैं कि वो तो है एक आइस की तरह और मैं हूँ फायर की तरह। इधर हाँ फिर वो कहता है हाउ कम्स इट, कैसे हुआ ये, मतलब ये जो अफेयर है वो कैसे हुआ। देन तब दैट दिस आर कोल्ड, क्योंकि वो जो है वो किस में है, कोल्ड में है। कोल्ड होने का मतलब बाई नेचर बड़ी शांत है, सर्दी उसको कोई बाई नेचर शांत है और उसे लव से यानी कि अट्रैक्शन से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि एक तरफ इनको इनको एक तरफ एडमंड स्पेंसर को काफी ज्यादा अफेक्शन रहता है अपनी अपकमिंग वाइफ से या अपनी बिलवर से, लेकिन दूसरी तरफ जो उनकी एलिजाबेथ बोयली है यानी कि जिनको माइंड में रख के उन्होंने पोइम लिखी है, वो जो महिला है वो बाई नेचर इतनी काम है, शांत है कि वो इनके अफेक्शन में पड़ती ही नहीं है, मतलब वो ध्यान ही नहीं देती इनकी तरफ, ऐसा उनका मानना है। और मैंने आपको कल एक छोटी सी बात बताई थी कि दिस पोइम डेडिकेटेड लाइक अ पैराडॉक्स, ही यूज्ड टू मच पैराडॉक्स, उसने इस पोइम को ही पैराडॉक्स की तरह लिखा है, यानी कि जिस चीज की वो कह रहा है वो होगा नहीं एक्चुअल में, यानी कि दोनों ही विरोधाभासी चीजें होंगी, जो है वो और जो नहीं है वो, इस तरीके से बात करेंगे वो। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे प्यार हुआ, दिस आर कोल्ड सो ग्रेट, और ये जो कोल्ड है उसके अंदर वो बहुत ज्यादा है। कोल्ड का मतलब शालीनता या चुप कुल रहना, क्या मतलब शालीनता है यहाँ पर।
फिर उन्होंने कहा इज नॉट डिसॉल्वड, ठीक है मैं इसको भंग नहीं करना चाहता, यानी उसकी जो शांति है, उसकी शालीनता है, उसका जो चुप रहना है या उसका आइस की तरह बिना भावनात्मक हिलोरे के रहना है वो ठीक है, थ्रू माई सो हॉट डिजायर, ठीक है मैं उसको ऐसे ही रहने देता हूँ, मैं उसको भंग नहीं करना चाहूंगा, किसके द्वारा, माई हॉट डिजायर्स के द्वारा, यानी कि मेरी जो हॉट डिजायर्स हैं उससे मिलने की, उसके साथ रहने की, उसको अपकमिंग फ्यूचर में अपने साथ रखने की, या फिर ये सोचना कि इन लाइफ के दौरान मैं इसके साथ किस तरीके से रहूंगा, ये सब सोचने के लिए वो कहता है कि मैं उसे बाध्य नहीं करूंगा और मैं उसे भंग नहीं करूंगा, वो जैसे शांति में रहना चाहती है रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कहती है। फिर वो कहती है बट हार्डर ग्रोज, लेकिन जितना ज्यादा मैं ऐसे सोचता हूं इसके बारे में, द मोर आई हर एंट्रीट, मैं जितना ज्यादा उसे छोड़ने की सोचता हूं उतना ही ज्यादा मेरे अंदर लव निकलता है, मतलब अफेक्शन अपकमिंग वाइफ के प्रति मुझे रहता है, मतलब वो कहता है कि मुझे इतना ज्यादा जब मैं उसको भूलने की कोशिश करता हूं तो मुझे और ज्यादा याद आती है। जैसे आपने सुना होगा कि वो इस लाइन को कुछ इस तरीके से कहना चाह रहा है, जैसे आजकल लोगों से आपने नॉर्मली हम लोग कुछ शब्द सुनते हैं, कुछ लाइनें सुनते हैं, जैसे कहते हैं कि मैं इस टॉपिक को जितना याद करने की कोशिश करता हूँ उतना ही भूल जाता हूँ, ठीक इसी से शार्प कॉन्ट्रास्ट में ये याद कर लीजिए कि एडमंड स्पेंसर ये कहता है कि मैं उसे जितना भूलने की कोशिश करता हूँ वो मुझे इतनी ही याद आती है। यहां तक की लाइनें क्लियर है आपकी? यस। नेक्स्ट लाइन में उसने कहा और हाउ कम्स इट, और ये कैसे हुआ, दैट माई एक्सीडिंग हीट, मेरी जो बढ़ती हुई हीट है, हीट जो यहाँ दिया गया है ये है जिस तरीके से उनके अंदर अफेक्शन बढ़ रहा है, किसके प्रति, एलिजाबेथ बोइली के प्रति जो अफेक्शन बढ़ रहा है, प्यार बढ़ रहा है, उसके लिए उन्होंने कहा एक्सीडिंग हीट, बढ़ता हुआ प्यार, एक तरीके से हम वैसे उसको अगर शाब्दिक अर्थों में लें तो ये कहा जाएगा एक्सीडिंग हीट लाइक अ बॉइलिंग समथिंग, कुछ गर्म होता हुआ, लेकिन उसका एक्चुअल मीन क्या है कि एक्सीडिंग हीट इज नॉट अलेड, बड़ी कष्टकारक है, कष्टकारक नहीं है मतलब नॉर्मल है, बाय हर हर्ट फ्रोजन कोल्ड, बजाय किसकी अपेक्षा, अरे मैं जब उसको चाहता हूं उसकी जो चाहने की जो पीड़ा है वो बहुत ज्यादा कष्टदायक नहीं है, क्यों, बिकॉज हर हर्ट फ्रोजन कोल्ड, क्योंकि उसका दिल तो बैठा हुआ है, शांत है, यानी कि उसके दिल में तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, इसलिए मुझे ज्यादा चिढ़ होती है इस बात से, मुझे बहुत बुरा लगता है। कौन बोलता है इस बात को, एडमंड इस नहीं बोलता है, हाँ एडमंड, हाँ किसका अपन ले सकते हैं, एलिजाबेथ बोइली को, राइट हाँ। इसके बाद नेक्स्ट लाइन पर आते हैं, बट दैट, लेकिन कि यह, आई बर्न मच मोर इन बॉइलिंग स्वेट, लेकिन जितना मैं दूर हटने की कोशिश करता हूं, आई बर्न मच मोर इन बॉइलिंग स्वेट, उतना ही अधिक उबलता हुआ सा पसीना निकलता है। उबलते हुए से पसीने का मतलब क्या आएगा, इसका मतलब है कि जितना मैं उसको, हाँ जितना मैं उसको भूलने की कोशिश करता हूँ उतना ही ज्यादा, यानी कि जैसे ऐसे मान लें कि उसकी बॉडी के अंदर एक लिक्विड बहता है जिसे हम कहते हैं कि उसके आधार पर ही प्यार होना और नहीं होना होगा, तो वह यह मानकर चलता है कि जितना मैं उसको भूलने की कोशिश कर रहा हूँ उतना ही बॉइलिंग स्वेट निकलता है, मतलब उतना ही ज्यादा उद्गार मेरे अंदर से निकलता है, किसका, लव का। यहाँ तक की बात क्लियर समझ में आ रही है आपको, बर्न माने कैसे, जलता हुआ, और बॉइलिंग उबलता हुआ, स्वेट पसीने को बोलते हैं। एंड फील माई फ्लेम्स, और मैं मेरे अंदर जो प्यार की उमड़ घुमड़ है या प्यार की जो लपटें उठती हैं, फील माई फ्लेम्स ऑगमेंटेड मैनिफोल्ड, वो कहता है मैनिफोल्ड विविध प्रकार से या अलग अलग प्रकार से, आई ऑगमेंटेड, मैं उसको काउंट करता हूं, मतलब वो कहता है कि मैं इसको गिन नहीं सकता कि मेरे अंदर कितनी उद्गार निकलते हैं, कितना लव अफेक्शन होता है, कितने प्रकार की, मतलब कहते हैं ना अनगिनत भावनाएं मेरे अंदर आती हैं उसके लिए, तो इस तरीके से वो एक्सेजरेट करता है अपनी बात को। फिर आगे की लाइन में उन्होंने कहा व्हाट मोर मिरेकुलस थिंग मे बी टोल्ड, तुम इसे व्हाट मोर मिरेकुलस, मिरेकुलस लाइक मिरेकल थिंग,
मतलब एक चमत्कारिक या जादुई। तो वो कहता है व्हाट मोर मिरेकुलस, कितना चमत्कारिक है, थिंग मे बी टोल्ड, इसे कहा जा सकता है, मतलब मेरे अंदर इस तरीके के प्यार का रहना कितना चमत्कारिक कहा जा सकता है। यहां तक कोई दिक्कत? नहीं। नेक्स्ट लाइन, दैट फायर, फिर वो कहते हैं कि ये जो आग है, कौन सी वाली, लव या अफेक्शन वाली, विच ऑल थिंग्स मेल्ट्स, ये इतनी ज्यादा है मेरे अंदर, इतनी तीव्र है कि ऑल थिंग्स मेल्ट्स, सारी चीजें मेल्ट हो जाती, मतलब मेरे अंदर ये जो भावना है लव और अफेक्शन वाली, लेचरी एक तरीके से, ये इतनी ज्यादा है मेरे अंदर कि ऑल थिंग्स मेल्ट, यानी कि इसके अलावा जितनी भी भावनाएं होती हैं, जितने भी लगाव होते हैं, वो सब खत्म हो गए हैं। सबसे ज्यादा किसके लिए है? एलिजाबेथ बोयली के लिए। शुड हार्डन आइस, और वो कहता है कि मैं अगर इसके लिए इतना ज्यादा आकर्षित हूं, आश्चर्यचकित हूं, परेशान हूं, तो क्या शुड हार्डन आइस, क्या इससे उसकी आइस, यानी कि उसकी जो ठंडक है, यानी कि मेरी जो अपकमिंग वाइफ है या जो लवर है, क्या वो और ज्यादा मेरे प्रति रूखी सूखी हो जाएगी, मतलब मेरे पे और ध्यान नहीं देगी, या मेरी भावनाओं को नहीं मानेगी, या ऐसे कहते हैं ना, अफेक्शन को नहीं मानेगी। शुड हार्डन आइस, क्या वो और अधिक शांत हो जाएगी, और ज्यादा शालीन हो जाएगी। एंड आइस, और क्या उसकी जो आइस है, आइस मीन लेकनेस ऑफ अफेक्शन, प्यार की कमी, विच इज कंसील्ड विद सेंसलेस कोल्ड, क्या वह इतनी बेहोश हो जाएगी, सेंसलेस मतलब बेहोश होना, क्या वो इतनी ठंडी पड़ जाएगी कि वो उसके अंदर प्यार या ऐसे कोई अफेक्शन या इमोशन जैसी चीजें ही नहीं रहेंगी। लाइक विच इज कॉन्जील्ड, वो कहता है कि क्या वो जम जाएगी एकदम से, शांत हो जाएगी, सब कुछ जम जाएगा, ठोस हो जाएगा, मतलब एक तरीके से, और जब ठोस हो जाता है तो इसका मतलब ये रहता है कि वहां चेंजमेंट की जो संभावनाएं होती हैं वो कम हो जाती हैं, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि सेंसलेस कोल्ड शुड किंडल फायर, तो क्या मुझे आग लगानी पड़ेगी, मतलब प्यार जगाना पड़ेगा उसके अंदर, बाय वंडरफुल डिवाइस, एक अद्भुत डिवाइस के द्वारा, वंडरफुल मतलब अद्भुत, डिवाइस मतलब उपकरण के द्वारा, क्या किसी अलग अद्भुत उपकरण के द्वारा, और इसे अपन कह सकते हैं कि कोई मिरेकुलस चीज की वो बात कर रहा है, जैसे एक वॉन्ड होती है, WAND, एक वर्ड आता है वॉन्ड, इसका मतलब होता है एन मिरेकुलस स्टिक, मतलब जादुई छड़ी, तो वो कुछ ऐसी चीज की बात करता है कि क्या कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो मेरे प्रति आकर्षित होगी। सच इज द पावर ऑफ लव, कुछ इसी तरीके की लव की पावर होती है, इन जेंटल माइंड, जेंटल मतलब भद्र, जो अच्छे वाला होता है ना, सज्जन, और माइंड मतलब मस्तिष्क, वो कहता है एक अच्छे दिमाग के अंदर, जो भावनात्मक रूप से संतुलित हो, मैनेज्ड हो, उसके अंदर क्या इज द पावर ऑफ लव, इसी प्रकार की क्या होती है, लव की पावर होती है, थैंक हाँ, प्रेम की ताकत, दैट इट कैन ऑल्टर ऑल द कोर्स ऑफ माइंड, और क्या दैट इट कैन ऑल्टर, क्या ये सारी चीजें बदल देता है वो, ऑल कोर्स ऑफ माइंड, व्यक्ति के दिमाग के अंदर रहने वाली सारी चीजें बदल देता है, मतलब क्या एक लव अफेक्शन बहुत अधिक होना क्या बाकी की चीजों को एकदम से बदल देगा, समझ में आ रही है बात? तो कुछ इस तरीके से उन्होंने, कुछ इस तरीके से उन्होंने इस बात को कहा, और दैट इट कैन ऑल्टर ऑल द कोर्स ऑफ काइंड, यानी सब इस प्रकार से ही रहेगा क्या। तो ये जो पोइम थी आपकी, सोनेट 30, एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखी, ये कुछ पोइम इस तरीके की है, जिसमें मैं दो चार लाइनें आपको और मोर क्लियर करने के लिए बोलूंगा, वो है कि एमोरेटी जब इसको बोलता है, तो ये जो लाइनें इन्होंने जब बोली हैं, या ये जो पोइम बोली है, उसमें ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट व्हेन आर पोइट कम्स टू अ वीमन नेम एलिजाबेथ कोयली, ही प्रपोज टू हर एंड सी डिनाइड टू कम विद हिम, है ना, जो महिला है, या कह सकते हैं कि जो उसकी बिलवर है, वो मना कर देती है उसके साथ आने के लिए। एक्चुअली सी वुडंट मैरी द काइंड ही अस्ट, जिस तरीके से वो शादी करने के लिए कहता है, एंड ही वेट्स अंटिल अ ईयर, लगभग 1 साल तक वो वेट करता है कि वो उनका जो जवाब है वो यस में आएगा, नो में आएगा, कुछ इस तरीके से, फिर वो ये मान लेता है और उम्मीद के आधार पर जिंदा रहता है। तो उसके जो होप चलती हैं, उनके आधार पर उन्होंने जो जो उनके बारे में सोचा, अपने लवर्स के बारे में, अपने लवर के बारे में या बिलवर के बारे में जो सोचा, उसको उन्होंने
पेन के आधार पर लिखा, यानी कि राइट डाउन किया और लाइंस में जगह दी। दूसरी बात ये होती कि हमने जब एडमंड स्पेंसर की बात की थी तो मैंने आपको लगभग ये बताया था कि उनकी कुछ फेमस बुक्स वगैरह थी, तो वो कौन कौन सी थी, राइट? एडमंड स्पेंसर की, हाँ, एमोरिटी के बारे में तो हमने बात की ही थी आपसे, स्पेंडर कैलेंडर्स, ये थी क्या? हाँ, उनकी कुछ कलेक्शंस के नेम थे जो मैंने आपको उस टाइम पर बताए थे, तो आपको याद तो होंगे ही वो। प्रोटोलेमेनियम और मदर हवर्ड टेल। हाँ, प्रोथेलमियन। और कौन सा था? फ्योरी क्वीन। फ्योरी क्वीन। हाँ, फेरी क्वीन, उसे कोई भी क्वीन नहीं बोलेंगे, फेरी क्वीन। हाँ, ये 6 वॉल्यूम में प्रकाशित हुआ था। हाँ, कब से कब तक हुए थे ये वॉल्यूम सुन के? टाइम पीरियड पूछना चाहता हूँ। 1589 से 1596। 1589 टू 1906, कितने वॉल्यूम्स थे टोटल? 6। 6, और इन 6 में से कितने वॉल्यूम ज्यादा पॉपुलर हुए थे? इसमें से 3। 3। अब नेक्स्ट अपन लिखने जा रहे हैं, वो आप लिखिए, पैराडॉक्स। सर, ये एडमंड स्पेंसर ने जिप पोएम ये लिखी है पोएम, लेकिन इसमें व्यक्ति का नाम क्या है? क्या मतलब? नहीं, एडमंड स्पेंसर के बारे में ये पोएम एडमंड स्पेंसर ने लिखी है। एक्चुअली देखो, मेरी बात सुनिए, जब कोई पोएट इस तरीके की चीजें लिखता है तो उसमें जनरली ये माना जाता है कि वो खुद ही था, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि ये, अगर आप एक बंदे को अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनेट मानोगे या डिसगाइज मानोगे, आप अगर ये कहना चाहते हो कि अगर वो पोएट खुद नहीं हो तो फिर दोनों को अननोन माना जाता है, फिर दोनों के बारे में अपन कुछ कह नहीं सकते कि पोएट कौन था और पोएट ने जिसको टारगेट किया वो कौन था, अपन इसको नहीं कह सकते क्योंकि वो डिफाइंड ही नहीं है। उसमें डिफाइन हो तभी तो अपन इस बात को कह सकेंगे, पोइम के जो लाइंस है उन लाइंस के आधार पर तो अपन को डिफाइन ही नहीं है। हाँ, इस तरीके से, लेकिन फिर भी जनरली यही आता है कि वो एडमंड स्पेंसर खुद हैं और उन्होंने अपनी अपकमिंग वाइफ के लिए आफ्टर प्रपोजल ये लिखा था, मतलब जैसे उन्होंने प्रपोजल रख दिया और उसके बाद जो उनके साथ हुआ था या जो उन्होंने उनके अंडर वेटिंग टाइम पीरियड के अंदर जो उन्होंने उनके बारे में सोचा, वो कुछ इसके अंदर प्रिस्क्राइब किया है, लिखा है। इसके बाद मैंने आपको एक छोटी सी बात बोली थी कि पैराडॉक्स आता है, तो मैंने कहा था कि ये जो लाइन है या जो पोएम है वो एक तरीके से पैराडॉक्स है जो राइटर ने लिखा। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि पैराडॉक्स होता क्या है? देखो, पैराडॉक्स और ऑक्सीमरन एक तरीके से दो हमारे एग्जांपल्स या टर्म्स होते हैं, उन टर्म्स में से एक टर्म है पैराडॉक्स। तो पैराडॉक्स का जो अपन यूज करते हैं वो होता है, पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट विच इज एब्सर्ड, फॉल्स एट फेस बट हैव सम ट्रू इन इट। यानी कि दिखने में और बोलने में तो वो फॉल्स सा लगेगा लेकिन उसके अंदर एक सच्चाई होगी। मतलब ये कि पैराडॉक्स एक स्टेटमेंट होगा और उस स्टेटमेंट के अंदर जिस भी बात को कहा जाएगा वो बोलने में तो गलत लगेगी, उल्टी सी लगेगी एक तरीके से, लेकिन उसके अंदर एक सेंस होगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि माई मेल ग्रैंड मदर, माई मेल ग्रैंड मदर, इसको आप लिख लेना, लिखा माई मेल ग्रैंड मदर, तो मेल ग्रैंड मदर मीन, अब देखो मैं एक बात कहना चाहूंगा, मेल का मतलब वैसे क्या होता है? पुरुष। हाँ, राइट। अब पुरुष दादी माँ कैसे हो सकती है? राइट है। बट हाँ, बट ये पुरुष जो है, पुरुष की जो यानी कि मेल लाइनिस जो होती है, मेल लाइनिस मतलब पुरुष का जो गुण होता है पुरुषत्व, वो क्या होता है? ताकत या शक्ति का हो। अच्छा। अब उनकी दादी इतनी बहादुर हैं, मान लो मैं मेरी दादी की बात कर रहा हूँ, तो मेरी दादी इतनी बहादुर हैं या वो इतनी मैनलीनेस उनके अंदर है, ताकत है या पुरुषत्व है कि वो किसी से डरती नहीं है, तब मैं क्या कहूंगा कि माई मेल ग्रैंड मदर। ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट क्या कहलाएगा? पैराडॉक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पैराडॉक्स। हाँ, और पैराडॉक्स तब तक ही कहलाएगा जब तक वो एक स्टेटमेंट है। अगर किसी
वर्ड के अंदर एक ही वर्ड ऐसा आया है, किसी सेंटेंस में एक ही वर्ड ऐसा आया है जो विरोध उत्पन्न कर रहा है, तो वो जो वर्ड वहां यूज होगा वो एग्जाम्पल कहलाएगा ऑक्सीमरोन का। किसका? ऑक्सीमरोन। हाँ यस, ऑक्सीमरन और पैराडॉक्स दोनों सेम वे यूज होते हैं लगभग, बस अंतर इतना है कि ऑक्सीमरन जहाँ एक टर्म है, मतलब इतना छोटा है, माइल्ड टर्म है उसका, और पैराडॉक्स क्या है, पूरी लाइन के अंदर आएगा। तो ये आपको था थोड़ा सा याद रहेगा, इसको अपन पैराडॉक्स ऐसे भी मतलब कह सकते। जब किसी से जी तुलना की जाती है तभी तो यूज किया जाता है ना पैराडॉक्स। पैराडॉक्स से तुलना नहीं की जाती, जबरदस्ती की जाती है। तुलना तो आप सिमिली के अंदर करोगे, राइट? तुलना तो समान चीजों की या असमान चीजों की आप वहां कर चुके होंगे। इसमें क्या है, तुलना तो होगी, लेकिन आप जिसे जो भी कहोगे वो कुछ इस तरीके से बोला जाएगा जो कि बेमेल चीजें होंगी। मतलब ऐसे लगेगा बोलने पे या सुनने में ऐसे लगेगा, जैसे अभी मैंने कहा माई मेल ग्रैंड मदर, तो जनरली अगर किसी को इंग्लिश समझ में नहीं आती तो वो तो ऐसे बोलेगा कि अरे यार तू क्या बोल रहा है, तेरे को समझ नहीं आता है क्या, मेल ग्रैंड मदर मेल कैसे हो सकती है भाई। लेकिन ये एक लिटरेटिव टर्म है, लिटरेचर के अंदर ऐसा बोला जाता है, और इसी प्रकार के सेंटेंस के द्वारा हम बंदों को कमेंट करते हैं या सटायर करते हैं, है ना। जैसे किसी गर्ल्स के लिए हमने कहा कि सी इज लाइक महाराणा प्रताप, अब अपन बोले हैं कि यार महाराणा प्रताप की इससे तुलना कैसे कर दी। पैराडॉक्स भी कर सकते हैं, ठीक, इस तरीके से टर्म्स को यूज किया जाता है। तो यहां तक समझ में आ चुका होगा। पोइम, पोइम में कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। नहीं सर, पोइम तो हो गई, एक बार और कर लूंगी, हो जाएगी। राइट, इसके अलावा अपन एक दो चीजें और लिखने जा रहे हैं, और वो मैं आपको बोल रहा हूँ। पहले आपको, जैसे मैंने आपको लिखाया था, सिमिली लिखा दिया क्या मैंने आपको? मेटाफर, वो उसमें सिमिली लिखाया तो था सर। सिमिली और मेटाफर लिखा दिया क्या? सिमिली और मेटाफर लिखा दिया। तो अभी पैराडॉक्स की लिख लीजिए, पी ए आर ए डी ओ एक्स। हाँ बेटा, ये लिटरेरी टर्म्स में से ही है। अच्छा, पैराडॉक्स, ठीक है, पैराडॉक्स। बोलो, जैसे पैराडॉक्स के लिए आपको लिखना है दो विरोधी शब्दों को, दो विरोधी शब्दों को, दो विरोधी शब्दों को, हाँ, दो विरोधी शब्दों को एक साथ यूज करना, एक साथ यूज करना, यूज करना, यूज करना, यूज करना पैराडॉक्स के अंदर आता है, पैराडॉक्स के अंदर आता है, अंदर आता है। इसके लिए अब मैं एक इंग्लिश में लाइन बोलूंगा, वो आपको लिखना है, राइट? यस। लिखिए, टू कॉन्ट्राडिक्टेड वर्ड्स, टू कॉन्ट्राडिक्टेड, सी ओ एन टी आर ए, टू कॉन्ट्राडिक्टेड, टी आर ए, सी ओ एन टी आर ए डी आई सी टी ई डी, कॉन्ट्राडिक्टेड, राइट? टू कॉन्ट्राडिक्टेड वर्ड्स पुट टुगेदर, पी यू टी पुट, पुट टुगेदर, पुट टुगेदर इन अ सेंटेंस, इन अ सेंटेंस, हाँ, राइट? फिर इसमें इसी लाइन में आगे लिखना है, इन अ सेंटेंस कॉमा लगा के, it is used like a sentence, not an expression, not an expression, expression. Not an expression, लिख लिया, हो गया सर। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखिए, वो भी इंग्लिश में ही बोलेंगे अपन। बोलो, अ पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट, अ पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट
पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट स्टेटमेंट इन विच इन विच एन एब्सर्ड एन ए एन वाला एन एब्सर्ड ए बी एस यू आर डी एन एब्सर्ड एन एब्सर्ड एब्सर्ड फॉल्स एब्सर्ड फॉल्स फॉल्स एट फेस फॉल्स एट फेस but have some true in it but have some true in it true true wala have some true in it Mat- right a paradox is a statement in which an absurd false at face but have some true in it iska mean hai ki jo sentence bola actually ye पैराडॉक्स एक स्टेटमेंट होगा और इस स्टेटमेंट में जो भी बोला जाएगा वो एक फॉल्स स्टेटमेंट की तरह रहेगा लेकिन जो बोला जा रहा है उसके अंदर एक ट्रूनेस होगी ट्रूनेस मीन सच्चाई या ओरिजिनलिटी होगी यानी कि वो जो मैसेज ट्रांसक्राइब करेगा पर्सनैलिटी जो भी बंदा यानी कि जो स्पीकर उसको बोल रहा है वो जो बोलेगा उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल या माफ कीजिए परफेक्ट आंसर निकलेगा उसका और वो एकदम एरो की तरह हिट करेगा जैसे मैंने अभी एक छोटा सा एग्जांपल दिया था माय मेल ग्रैंड मदर तो फर्स्ट टाइम सुनने में थोड़ा सा ओड लगा लेकिन जब मैंने उसको बोला और आपको एक्सप्लेन किया तो आपकी समझ में आया कि हाँ वो पावरफुल थी और वो मैनलीनेस थी उनके अंदर इसलिए हमने उनको मेल ग्रैंड मदर बोला यहाँ तक समझ में आ रहा होगा शायद तो इसके अलावा नेक्स्ट जो पोएम है वो है विलियम शेक्सपियर की विलियम शेक्सपियर की तो नेक्स्ट आप लिखिए और हेडिंग डाल लीजिएगा हेडिंग डाल लीजिए विलियम शेक्सपियर स्पेलिंग है एस एच ए के ई एस पी ई ए आर ई सर विलियम विलियम की स्पेलिंग है डब्ल्यू आई डबल एल आई ए एम डबल एल आई ए एम विलियम हो गया उसके बाद है एस एच ए S H A K E S K E P E A P E A R E Shakespeare Shakespeare right लिखिए बोलिए फर्स्ट लाइन के अंदर लिखना है regarded as as one of the best playwright best playwright comma novel author लिखने वाले लेखक novel authors and poets हाँ फिर next लिखिए novel authors and poets number two He was a simple but extraordinary personality personality स्पेलिंग बोल रहा हूँ बेटा वापस लिखना P E R S O
PERSO NALIT भाई, पर्सनैलिटी। यस पर्सनैलिटी। सिंपल बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटी। टू हु रोट WHO वाला हु, टू रूट हु रोट अराउंड अराउंड 37 प्लेज, 37 प्लेज, 37 प्लेज। 37 प्लेज PLAYS प्लेज नाटक। हाँ जी प्लेज एंड 37 प्लेज एंड एंड अराउंड 154 सोनेट्स 154 सोनेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, इन इंग्लिश लैंग्वेज, इन इंग्लिश लैंग्वेज। वापस बोल रहा हूं, ही वॉज सिंपल बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी। हु रोट अराउंड 37 पेज एंड अराउंड 154 सोनेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। नेक्स्ट लिखिए नंबर, बोलिए। He was also a also a stage performer artist. He was also a stage performer artist known as Evan actor of that time. अच्छा मैं ये कह रहा हूँ आज के लिए इतना काफी है, और अब अपन थोड़ा सा कल डिस्कशन करेंगे, है ना। तो अभी जो बताया उसको थोड़ा लर्न करना है आपको, और ये जो टर्म्स और टर्मिनोलॉजी मैं लिखाते जा रहा हूँ आपको साथ के साथ, वो भी आपको कंफर्म करना है एक तरीके से, है ना। तो और नेक्स्ट अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मैसेज कर दीजिएगा मुझे, मैं उसे सॉल्यूशन दूंगा, है ना। सर इस पोएम को डाल देना, सर इस पोएम को डाल देना, क्योंकि मैं फोटो कॉपी निकलवा लेती हूँ पोएम की। स्पेंसर वाली अभी डाली नहीं क्या? हाँ नहीं सर ये डाली नहीं, विलियम शेक्सपियर की ये वाली तो डाल दी थी तुमने, इसकी तो फोटो कॉपी करवा ली मैंने। ठीक है बेटा मैं ये अभी डाल देता हूँ, है ना, 5 मिनट में डाल। और वो इसके जो नोट्स बनाए थे ना आपने, वो वाले चैप्टर के, इनके नोट्स, मतलब मैं खुद बनाना चाहती हूँ, किस तरीके से बनाने हैं। जैसे लिखाता जा रहा हूँ ना यही रिवाइज करता रहना है आपको बेटा। अच्छा, क्योंकि बीच बीच में मैं बीच बीच में टर्मिनोलॉजी भी डाल रहा हूँ, जैसे पैराडॉक्स को मैंने अभी बीच में ही लिखा दिया। अपन जब उधर पढ़ेंगे ना, जब अपन टर्मिनोलॉजी को पढ़ेंगे तब तो अपन अलग से पढ़ेंगे, लेकिन बीच बीच में मैं ये लिखाता जा रहा हूँ ना, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि जैसे ही उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आप बोलोगे सर ये तो मेरे को ऑलरेडी याद है, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियलिटी रहेगी। ठीक है ना, ठीक है ठीक, तो ठीक है आज के लिए, थैंक्स टू यूज मी, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, नमस्ते। Come on.